आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने वाली याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछे और उन्हें जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद याचिकाकर्ता और उनके अधिवक्ता से प्राइम टीवी ने खास बातचीत की है और क्या कुछ कहा है उन्होंने आप भी सुनिए। मैं हो सकता कुछ डायरेक्शन दिए हों, क्योंकि वकील साहब बता रहे हैं कि कुछ डायरेक्शन हुआ होगा। अगर कोई डायरेक्शन नहीं होगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा सीधे। अगर उन्होंने बीच का कोई रास्ता निकाला होगा तो उन रास्तों का पालन करते हुए जाऊंगा। मुझे लगता है कि अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि मैं एएसआई अलग बता रहा है, भारत सरकार के लोग अलग बता रहे हैं, सारी चीज़ें अलग अलग बता रहे हैं, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने सोचा माननीय न्यायालय उपयोग कराएंगे, लेकिन उधर से भी अगर अध्ययन नहीं किया है तो उसको अध्ययन करके आगे देंगे। पीएचडी करने की बात देंगे तो लॉर्ड से परमिशन दे दें, दिला दें किसी से, मैं पीएचडी करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ ये सोच के दायर किया था, पढ़ा भी था, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बता रहे थे, मैंने सिर्फ यही सोच के दायर किया था कि अलग अलग इतिहासकार जो अलग अलग अपने तर्क कर रहे हैं, न्यायालय कोई साफ सुथरा आदेश दे देगा, उसके बाद से ये जो भ्रम है सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे, अगर उसमें कहीं बीच का रास्ता कुछ होगा तो उसका पालन करेंगे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब डिबेट का मुद्दा है तो बता दें कहाँ किस पैनल पर डिबेट की जाए। मैंने सबसे पहले एएसआई से पूछा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से पूछा, सबसे पूछा, संतोषजनक जवाब हमको किसी ने नहीं दिया। तो न्यायालय है तो हमने सोचा न्याय यहाँ से मिलेगा हमको, लेकिन इन्होंने भी खारिज कर दिया, आगे देखा जाएगा। नहीं, आरटीआई के तहत उन्होंने कुछ नहीं कहा। आरटीआई में तो उन्होंने कहा कि आपने जो आरटीआई लगाई थी उसका जवाब आपको नहीं मिला है। उन्होंने जरूर सीआईसी को लेकर, एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को लेकर जो हमने किया था वो हमने लगाया था, तो सीआईसी को लेकर उन्होंने कहा कि सीआईसी ने जो ऑर्डर पास किया है वो बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन, उन्होंने अपने बियॉन्ड द पावर जो ऑर्डर पास किया है। आपने जो चार अपील की थी, क्या हाईकोर्ट किसी भी मुद्दे पर आपसे कन्विंस हुआ? आपके मुद्दे पर जो चार आपने अपील की थी, उस जो मांगे की थी, उन पे कहीं कन्विंस हुआ हाईकोर्ट आपके साथ जो प्रेयर्स थी? देखिए, चारों प्रेयर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड थी, तो अगर वो एक प्रेयर पे अगर कहते कुछ तो दूसरे प्रेयर पे भी उनको कहना पड़ता। तो यानी कि चारों प्रेयर जो थी उसको सिरे से खारिज कर दिया जी? यानी कि चारों प्रेयर जो आपकी थी उनको सिरे से खारिज कर दिया गया? नहीं, सिरे से नहीं कर। देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको ऐसे मत कहिए सिरे से खारिज कर दिया गया। अब अगर वेल आर्टिकुलेटेड जजमेंट मैं इसे कहूंगा, उन्होंने ऐसा लिखा है कि ताजमहल मामले में दायर याचिका को हॉनरेबल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया है। वहीं याचिकाकर्ता हमारे साथ डॉक्टर रजनीश हैं, याचिका को खारिज कर दिया, अब आगे क्या करेंगे आप? आगे देखेंगे, जो आदेश होगा, आदेश पढ़ने के बाद जो भी उसमें होगा उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अध्ययन की प्रक्रिया में कहा गया कि ये जो मामला है ये इतिहास पढ़ के और निष्कर्ष निकालने का है, ना कि कोर्ट का है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अब उन्होंने जो कहा सम्मान करते हैं उसका, लेकिन मैं जानता हूँ कि भारत के हर नागरिक को, चाहे पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, सबको न्याय पाने का और अपनी चीज़ों को जानने का हक है। मैं वहाँ अंदर जाता हूँ, 50 रुपये का टिकट लगाता हूँ, तो मेरी भी वो है और एएसआई और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमको कोने कोने का भ्रमण कराए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं यहाँ पे आया। अच्छा, आप या पीआईएल डाले, तो पीआईएल डालने से पहले अपना खुद का कुछ शोध किए या कुछ ऐसे इतिहास के पन्नों को खंगाले कि उसके बाद? मैं 2019 से सवाल जवाब कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से पूछ रहा हूँ, एएसआई से पूछ रहा हूँ, भारत सरकार से भी सवाल जवाब किया हूँ, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा था, सबको पत्र लिखा था। उसके बाद किसी तरफ से जवाब आया? कोई जवाब नहीं है, सिवाय एएसआई ने जो आरटीआई लगाई थी, आरटीआई का जवाब दिया था। अच्छा, आगे की क्या लड़ाई होगी? देखेंगे, जो ऑर्डर पास हुआ होगा उसी के हिसाब से काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर जाना पड़ता वहाँ जाएंगे। तो हमारे साथ याचिकाकर्ता रजनीश गुप्ता थे, जिनका साफ तौर पे कहना, रजनीश सिंह, इनका साफ तौर पे कहना है कि इस याचिका को खारिज होने के बाद अब हम सुप्रीम कोर्ट की रुख करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।